पुलिस प्रशासन सावन माह का महीना शुरू होते ही चलने वाली कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है, जिसके चलते आज मुंडा पांडे थाना परिसर में मुरादाबाद मंडल के DIG शलभ माथुर ने नेशनल हाईवे के रामपुर अधिकारी और मुरादाबाद के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर कावड़ यात्रा पर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए और कावड़ियों के लिए मुख्य चौराहों पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने को लेकर पहुंचे मीटिंग के हाईवे के अधिकारियों से रह गई तैयारियां मुकम्मल करने की बात कही। DIG शलभ माथुर ने सभी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देकर कहा, जो हाईवे पर चलने वाले भारी वाहन के लिए जो रोड निर्धारित रूप से तय किए गए हैं उसी पर भारी वाहन चलाएं। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहेगा? बेसिकली आज SSP मुरादाबाद साहब और हमको जनपद रामपुर के नोडल जो कांवड़ के अधिकारी हैं और साथ ही साथ CO मुरादाबाद संभल से जो CO चंदौसी हैं, ये सभी लोग आज एक मीटिंग लोग के द्वारा जो ये कांवड़ को लेके रूट का डाइवर्जेंस है उसको कैसे एनफोर्स किया जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और साथ ही साथ हम लोग के पुलिस कर्मियों को किस तरीके से ड्यूटी करनी है, कहाँ पर बैरियर लगना है, पूर्व में भी इस संबंध में चर्चा की गई है, तैयारी काफ़ी उसके अंदर की गई है। कुछ समय से 2020 और 2021 में वैश्विक महामारी के कारण कोविड के कारण कावड़ नहीं हुए थे। इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, काफ़ी बेहतर हुआ है, इसी वजह से स्पीड कंट्रोल कैसे की जाए और रूट डाइवर्जेंस में हमें क्या क्या जरूरत है, उसको ग्राउंड पे कैसे यानी समय स्थल पर कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसी संबंध में आज चर्चा की। थैंक यू।